राधे राधे तो, तो अगर आप भी निशान का मैग्नाइट लेने का सोच रहे हो तो आपको मार्च में क्या ऑफर मिलता है मैग्नाइट के ऊपर वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो भी ऑफिशियल ऑफर आपको निशान की तरफ से दिए जा रहे हैं वो चीज़ हम देखते हैं तो ये निशान का ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई मैगनाइट 24 में आपको क्या ऑफर मिलता है तो यहाँ देख सकते हो कि भाई यहाँ जो भी ऑफर है जितने वेरिएंट पे सब पे इस पर आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स में आपको क्या ऑफर मिलता है तो पीएमपी ऑफर आपको कुछ नहीं मिलता है तो पीएमपी ऑफर क्या हो जो मेंटेनेंस वगैरह करते हैं ना उसमें आपको कुछ ऑफर्स मिलाते हैं कि भाई कम तो कम पैसे में आपको दो साल का ऑफर मिल जाएगा मतलब मेंटेनेंस कम लगेगा उसका ठीक है उसके बाद एसेसरीज एंड कैश में आपको पाँच हजार के यहाँ डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई तो पाँच या तो एसेसरी ले सकते हो या तो पाँच आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा एक्सचेंज बोनस बीस हज़ार मिल जाएगा कॉर्पोरेट कुछ भी नहीं है एंड फिनांस आपको मिल रहा है सिक्स पॉइंट नाइन नाइन परसेंट पे तो ये एक अच्छा ऑफर है क्योंकि अभी जो बैंक वगैरह ऑफर दी वो आठ साढ़े आठ सौ सा कंपनी नहीं दे रही ठीक है घुमा फिरा के आपको चालीस हज़ार का ऑफर दिया जा रहा है जिसमें अगर मुझे लग रहा है कि ऑफर तो भाई बस ये पाँच हज़ार ही है बाकी ये एक्सचेंज हर आदमी करता नहीं है होगा तो, तो एक्सचेंज करेगा तो पाँच हज़ार का ही ऑफर आपको एक्स ई पे मिलने वाला है इसके आगे चलते हैं अपन तो अपन आते हैं एक्सएल वेरियंट पे ठीक है तो एक्सएल में आपको पी एम पी ऑफर मिलता है छः रुपए का ठीक है मतलब दो साल का मेंटेनेंस वगैरह होगा उसका आपको ऑफर मिल जाएगा कि भाई सात हज़ार रुपये दे ओ, और दो साल के लिए एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का जो भी है वो आ जाएगा उसके बाद पंद्रह हज़ार का आपको कैश डिस्काउंट मिल गया एक्सचेंज पैंतीस एंड कॉरपोरेट का दस हज़ार मतलब मैं घुमा फिरा बात बताऊँ आपको तो दस हज़ार पंद्रह पच्चीस हज़ार एंड पच्चीस सात आपको हो गया बत्तीस हज़ार तो ऑलमोस्ट बत्तीस हज़ार का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल रहा है वैसे इन्होंने एटी टू लिखा है तो ठीक है एटी टू में अगर एक्सचेंज आप करते हो तो आपको मिलेगा तो डेफिनेटली बहुत कम ही लोग एक्सचेंज कर पाते हैं इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पर अगर कंसिडर अगर एक्सचेंज करते हो तो आपको प्रॉपरली एटी का मिल जाता है अब आते हैं नन टर्बो में अदर दैन एक्ससी एंड एक्स एल मतलब इन दोनों को छोड़ के तो यहाँ भी आपको लगभग लगभग सेम ही मिल रहा है ठीक है बस आपको यहाँ पे चालीस हज़ार का एक्सचेंज बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अगर आप एक्सचेंज करते हो तो आपको एटी सेवन का यहाँ पे ऑफर मिलता है यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स वी में टर्बो में है ये ठीक है टर्बो में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पी एम पी का थोड़ा ऑफर कम मिल रहा है सिक्स एट एट हंड्रेड का मिल रहा है मतलब अड़सठ सौ रुपये का यहाँ आपको बीस हज़ार कैश डिस्काउंट मिल रहा है ये अच्छी बात है एंड एंड अगर एक्सचेंज बोनस पैंतीस एंड दस हज़ार रुपया कॉर्पोरेट तो घुमा फिर अगर तीस हज़ार तो यहाँ पे डिस्काउंट हो ही गया तीस हज़ार प्लस सिक्सटी एट हंड्रेड मतलब थर्टी सेवन थाउजेंड का ऑलमोस्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है हाँ अगर आप प्रॉपरली लोगे तो आपको एटी सेवन का डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा अब इसके आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट एस वी ठीक है ट्रवो में तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम ऑफर मिल रहा है मतलब नाइन टू थाउजेंड का प्रॉपर्ली ऑफ़र है बट अगर आप एक्सचेंज को हटा दो ठीक है चालीस हज़ार तो आपको ऑलमोस्ट बयालीस हज़ार का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो ठीक है मतलब आप बीस हज़ार से आपको मिलना ही मिलना है उसके बाद कॉरपोरेट का अगर आप कोई इंप्लॉय हो तो अगर आपका लिस्टेड कंपनी तो दस हज़ार यहाँ से मिल जाएगा उसके बाद आता है सी वी टी ऑप्शन में अगर ऑटोमेटिक खरीदते हो तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज मैं ज़्यादा मिल रहा है कैश वगैरह सब कुछ बाकी सेम ही मिल रहा है ए एम टी में जाते हो तो ई एम टी में आपको कम मिलता है मतलब ना के बराबर ही ऑफर मिल रहा है सात हज़ार रुपया कैश मिल रहा है ये जीरो है एक्सचेंज बोनस भी दस हज़ार ही मिल रहा है मतलब सत्तर हज़ार का तो टोटल डिस्काउंट है उसमें भी सिर्फ सात हज़ार ही आपका मतलब काम का है बाकी तो बेकार ही है एंड इस एम टी का भी सेम ही कंडीशन है तो भाई यही ऑफर है अभी के टाइम में मतलब मार्च के टाइम में जैसा कि इन्होंने बताया है कि भाई ये ऑफर चल रहा है हमारे मैग्नाइट के ऊपर तो अगर आप भी मैग्नेट खरीदना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो ये ऑफर्स कि आपको एक्जैक्टली क्या क्या मिला है एंड अगर किसी के पास मैग्नाइट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि भाई इसको रिव्यू कैसा है मतलब आपको लेके संतुष्टि है या नहीं है प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताएं एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे थैंक यू